दोस्तों सत श्री अकाल। एक आप छोटी जी कहानी लैने कि सब तो वड्डा है रोग ते की कहणगे लोग। एक छोटा जिहा वाक्य है, छोटी जी कहावत है जो किसी ने किसी टाइम च कही सी, बट ये कहावत सच भी है। इनू आप एक छोटी जी कहानी दे रही समझांगे। एक बार की होंगे, प्यो पुत गधे ते जा रहे होंगे, गधे नू नाल लेके जा रहे होंगे। पर प्यो कहिंदा, ऐ कर पुत, तू गधे दे उपर बैठ जा, मैं पैदल चल लूंगा, तू थक जाएगा। तो उहदा मुंडा कहिंदा, ठीक है डैडी। तो वह पुत गधे दे उत्ते बैठ के जाता है, प्यो पैदल जाता है नाल नाल। फिर जिवें जिवें वह तुरदे आंदे तुरदे आंदे आ, फिर एक पिंड क्रॉस करते हैं। जब एक पिंड क्रॉस करते, उत्थे काफ़ी सारे लोग खड़े होंदे आ। लोग उन्हां देख के हंसन लग जाते भी, देखो किहो जिहा मुंडा है, इहदा प्यो बुढ़ा है, वो पैदल चल रहे हैं, तो आप गधे से बैठे हैं, बिल्कुल भी शर्म नहीं हैगी। ये सुन के उस मुंडे दे दिल बहुत मतलब टेंशन च हो जाता। फिर वह मुंडा कहता भी, डैडी तुसी ऐ करो, तुसी बैठो गधे ते, मैं पैदल चल लूँगा, मैं तो हट्टा कट्टा जवान है, मैनू की हुंदा। फिर वह डैडी कहता, चलो ठीक है। फिर वह डैडी नू गधे ते बिठा दिंदा, मुंडा पैदल चलता रहिंदा। एवें चलते जाते, फिर वह दूजे पिंड च जदों पहुँचते हैं, उत्थे भी काफ़ी सारे लोग खड़े हुंदे आ। वह लोग भी उन्होंने देख के उन्होंने मजाक उड़ा लग जाते हैं। लोग कहें, देखो देखो कैवें दा प्यो है, मुंडा यदा पैदल चल रहा है, तो इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, गधे ते आराम नाल ही बैठा है। ये सुन के उन्होंने प्यो में भी बड़ा होंगे भी, है ना, भी मैं बैठा है। तो वह भी उतर जाता। फिर वह कहता, ना चल आप पैदल ही चलते हैं, गधा नाल नाल चली जाऊगा, आप दोनों पैदल चलते हैं, गधे ते नहीं बैठते। वह तो मुंडा कहता, ठीक है डैडी। ऐ करते करते वह पैदल चलते जाते चलते जाते हैं। फिर आंदा तीसरा पिंड, जो तीसरा पिंड आंदा उत्थे काफ़ी सारे लोग खड़े होंगे है। वह हसन लग जाते, वेखो इन्हों को गधा हैगा, इन्हों बिल्कुल भी ऐ नहीं है भी गधे के उत्ते बह जाइए, एवें फालतू का तुर के जाई जाते तो थकी जाते हैं। जब ये सोचते, फिर वह दोनों जने गधे से बैठ जाते, प्यो पुत गधे से बैठ के फिर वह सफ़र कर लग जाते हैं। एवें सफ़र करते हैं, इन्हें चौथा पिंड आ जाता है। जदों चौथा पिंड आता, उदों लोग उत्थे भी खड़े होंगे काफ़ी सारे। फिर वह कहते, ना भी इन्हों देखो बिल्कुल भी शर्म नहीं हैगी, भी हम ये दोनों जाने बेचारे गधे ते बैठे हैं, गधा इन्ना भार चल लूगा, बेजुबान ते बिल्कुल भी तरस नहीं करते, किन्नी निर्दयी है ये। यह सोच के दोनों जाने गधे तो उतर जाते हैं। फिर वह कहते हैं, वो जोड़ा मुंडा होंगे वो दिमाग च एक गल चलती है भी, डैडी आप हम लोगों के हिसाब ना ही चली जाने, पर आप कि तंग हुई जाने, है ना। आपको पता होना चाहिए भी आप कुछ किमें करना है। लोगों ने तो बोलना ही है, लोगों को तो एक टॉपिक चाहिए होंगे किसी भी गल वास्ते, या किसी भी गल में सवाद लैन वास्ते। उन्होंने तो सिर्फ बोलना होंगे, उन्होंने कोई इंट्रस्ट नहीं होंगे, उन्होंने तो बस गल कर होंगे, मतलब उन्होंने एक टॉपिक चाहिए होंगे। तो तुम उन्होंने एक टॉपिक वास्ते उन्होंने जी धारणा होंगी है आपकी जी जिंदगी दे विच इंप्लीमेंट करके ना आपकी जिंदगी का सारा तहस नहस ही कर लेने। तो इस करके लोगों की परवाह ना करो, जिन्ना चिर तुम लोगों की सुनोगे उन्ना चिर तुम कदम भी अगे नहीं बढ़ सकोगे। इस करके अगर तुम अगे बढ़ना है तो बोले हो जाओ, ठीक है, अन्ने हो जाओ भी देखो ही ना की हो जाता। तो अगर टारगेट पर फोकस करो, ठीक है, जो भी तुम आपकी लाइफ अचीव करना चाहते हो उससे कम करो, मेहनत करो। लोग थोनू नैगेटिव करे भी, एवं तू नहीं कर सकता, वो इस करके कहे क्योंकि मैं ट्राई किया मेथों नहीं होया। बई जे तेथों नहीं होया तो दूजा बंदा तो कर सकता है ना। इस करके हमेशा किसी की ना सुनो, अगला ही कहूगा भी हाँ ये मैं तू नहीं कर सकता यार, ये हो ही नहीं सकता। जे तुम वो चीज़ कर लोगे तो थोड़े मन चो धारना बैठ जूगी। इस करके तुम बिल्कुल बोले बन जाओ, तो किसी को दसो ही ना। वैसे तो अब जो थोड़ा टारगेट अचीव हो जाए उदो ही सबन पता लगना चाहिए भी हाँ भी इस बंद ने वाकई टारगेट अचीव किया। उदो थोड़े भी लोग मतलब ताड़ियां भी बजाऊंगे, वाह वाह भी करेंगे, क्यों लोगों ने तो बोलना ही है, चंगा माड़ा कुछ भी है। इसलिए तुम सोचना भी थोड़े लिए की सही है की गलत है। मिलते हैं किसी नवी कहानी के नाल। उम्मीद है तुम्हें कहानी वधिया लगी होगी, छोटी जी है, मैं छोटी कोशिश की है। कमेंट करके जरूर दस्सो किवें लगी है, ठीक है। अगर वधिया लगी तो दस्यो, मैं सीरीज अगे भी जरूर लैके आऊँगी। शेयर करो, चैनल में सबसक्राइब कर लो जो नवे हैं। धन्यवाद।